शीट नंबर 19 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये सिर्फ यही नहीं, थर्मल जो हमने वो एक्सपेंशन किया था उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन आते थे। आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर भी हमने फॉर्मूला लिखे थे, इसके अंदर भी फॉर्मूला ही लिखेंगे। ये प्रूफ सिर्फ समझाने के लिए है, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा आंसर याद करना है। वो क्या, वो कह रहे हैं कि अगर दो वायर्स हैं R1 R2 और जिनकी थर्मल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कोफिशेंट थर्मल एक्सपेंशन के कितने, α1 और α2 है, तो वो कह रहे हैं ये सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। तो कह रहे हैं कि अगर मान लो कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस α1 α2 अलग अलग है और मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में लगाने के बाद अब ये एक वायर हो गई, इस एक वायर का एक अफेक्टिव अल्फा क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अलग अलग वायर्स का अल्फा α1 और α2 है, पर अफेक्टिव अल्फा क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए काम करते हैं, आप फर्स्ट वायर के लिए जब मान लें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्योंकि अल्फा जहां पर यूज होगा वहां वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करके रेजिस्टेंस की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, तो आप यहां से नई रेजिस्टेंस निकाल लें फर्स्ट वायर की, नई रेजिस्टेंस निकाल लें सेकेंड वायर की। ठीक है, तो आपने इंडिविजुअली दोनों वायर को लिया, दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज किया, दोनों की नई रेजिस्टेंस आई, और फिर आपने इनको सीरीज में लगा दिया, इनको ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो ये टर्म आ गई, यहां से ओपन किया R1 R2 एक ब्रैकेट में आ गया, बाकी ये टर्म आ गई। इन दो टर्म में से R1 प्लस R2 कॉमन निकल नहीं रहा, फिर भी निकाल लिया, तो ये टर्म 1 हो गई, और ये टर्म को पूरे टर्म को डिवाइड करना पड़ा R1 प्लस R2 के साथ, तो ये नई रेजिस्टेंस आ गई इक्विवेलेंट। कब, जब आपने इंडिविजुअली दोनों के टेम्परेचर को क्या किया था, इंक्रीज किया था। जब आपने इंडिविजुअली दोनों टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सीरीज में लगाने के बाद ये रेजिस्टेंस आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है R1 प्लस R2, तो आप पहले सीरीज में लगा दें और फिर टेम्परेचर इंक्रीज करें, बात तो एक ही है। ये जो मैंने थ्योरी लगाई इसमें इंडिविजुअल टेम्परेचर इंक्रीज किया और बाद में सीरीज में लगाया, इसमें पहले सीरीज में लगा दिया, तो नई जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस अल्फा इनटू टी। ये लो, ये नई वैल्यू आ गई। तो मतलब कि ये मैंने जो टॉपिक किया वो अलग अलग टेम्परेचर को इंक्रीज करके बाद में सीरीज में लगाया, और इसमें मैंने पहले सीरीज में लगा दिया और फॉर्मूला सीरीज रेजिस्टेंस के ऊपर लगा दिया, बात तो एक ही है, एक्सपेंशन तो उतनी होनी है, रेजिस्टेंस तो उतनी बढ़नी है। इन दोनों को कंपेयर कर लें, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, टी का टी, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाती है, अल्फा। तो नया अल्फा कंपेयर करके क्या आ जाता है, R1 α1 R2 α2 अपॉन R1 प्लस R2। आपने ये थ्योरी नहीं करनी, प्रूफ नहीं करना, आप सिंपली ये फॉर्मूला रजिस्टर में लिखना है, लिख लें कि अगर आपके पास α1 α2 तो टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं, और उनको सीरीज में जब आपने लगाया अफेक्टिव आर का ये फॉर्मूला आ गया R1 α1 R2 α2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इतना लंबा प्रूफ कौन करेगा, आप सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला मार्क करेंगे, कोई डाउट इसमें। ठीक, तो आज के बाद ये क्वेश्चन दिखेगा तो सीधा आपने मार्क कर देना, बात ही खत्म। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो प्लस वन की मेरी हैंड रिटन बुकलेट में किया हुआ है, उसमें फॉर्मूला था लेंथ इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, तो आंसर पता है क्या था, L1 α1 L2 α2 अपॉन L1 प्लस L2। सेम हर चीज में, एक्सपेंशन में रिजल्ट सेम रहता है, तो सीधा ये ऑप्शन मार्क कर देना। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 एंड R2, डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई हैं। R1 का टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ मटेरियल अल्फा है और R2 का माइनस बीटा है, एक का अल्फा एक का माइनस बीटा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर, अगर ये रेशियो क्या होगी। वो कह रहे जी मैंने दो रेजिस्टेंसेज को सीरीज में लगा दिया और मैंने उनका टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, लेकिन मैंने ये देखा कि मैं उनको वैसी सीरीज में लगा दूं या टेम्परेचर इंक्रीज करके सीरीज में लगा दूं, आंसर में कोई फर्क ही नहीं है, मतलब टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे अगर मान लो मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी नई रेजिस्टेंस ये हो गई, सेकेंड का टेम्परेचर बढ़ा दिया उसकी नई रेजिस्टेंस ये हो गई, तो अल्फा की जगह माइनस बीटा हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने के बाद इन दोनों को ऐड करके ये आ गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रेजिस्टेंस आ गई R1 माइनस R2, R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में, बाकी एक ब्रैकेट में। पर उसने ये कहा टेम्परेचर बढ़ने से जो नई रेजिस्टेंस आई
और जो पुरानी रेजिस्टेंस थी वो सेम रहेगी, टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है, और अगर टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है तो ये टर्म को क्या करना पड़ेगा, जीरो। तभी तो नई और पुरानी रेजिस्टेंस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आंसर देगी। तो नई और पुरानी सेम आंसर देगी, तो ये टर्म को जीरो पुट करो, जीरो पुट करके R1 R2 का रिलेशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई एल्फा, रेशियो निकाल दिया R1 R2 की आपने। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि पहले आपने क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ा देना है और सीरीज में नई रेजिस्टेंस लगा देनी है, नई और पुरानी कह रहे बराबर कर देंगे, ये चेंज नहीं होएगी, इट विल रिमेन सेम। तो ऐसे केस में ये टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो, तभी ये सेम रहेगी, तो सेम नहीं रहेगी आंसर आएगा। तो यहाँ तक क्लियर रेजिस्टेंस की, ये केस भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत आता है ये क्वेश्चन ऐसा, अगर करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है कितना होगा, कितनी देर में 2 से लेकर 3 सेकेंड तक कितना चार्ज मूव करेगा। तो याद रखना, अगर करंट वेरिएबल है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, करंट निकालने का यही फॉर्मूला है, क्योंकि चार्ज निकालने का यही फॉर्मूला है, चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम। तो नोट कर ले, चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IdT। तो इंटीग्रेशन ऑफ IdT में I की वैल्यू को पुट कर दें, टाइम की लिमिट पुट कर दें 2 से 3, इसे इंटीग्रेट कर दें, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, चार्ज कैसे आएगा? तो अगर करंट आज के बाद टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला नोट कर लें, IdT की इंटीग्रेशन आपको आंसर दे देगी। आ जाता है ये NCERT में, नीट में, और कहीं पर भी ये चीज़ें चलती रहती है, मतलब ये कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करके आंसर आएगा। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम। ठीक है, 10 ओम की रेजिस्टेंस है, कब, और इसकी कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, एल्फा, एल्फा के बना है, और उस वायर में करंट कितना है, 30 मिली एम्पियर है, और टेम्परेचर कितना है वायर का, 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 है। वो ये कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 10 है, रेजिस्टिविटी इसके इक्वल है, अगर मैं टेम्परेचर को 120 कर दूं और कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस सेम, वी को क्या रखना है दोनों केस में, सेम, वी नहीं चेंज करना। तो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूं 20 से 120 कर दूं, तो नया करंट क्या होगा वायर में, ये बताओ मुझे। सिर्फ ये बताओ वायर में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है वायर की, जब मैं करंट को इंक्रीज करूंगा, क्या चीज़ चेंज होती है, रेजिस्टेंस। और तो कोई चीज़ नहीं, मैं एक ही आंसर आता है, रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो एक काम करो, रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, R1 है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और रेजिस्टेंस 120 पे क्या होगी, R2 है। तो फॉर्मूला नोट कर लिया, तो रेजिस्टेंस 20 पे, 120 पे, ये देखो T1 की जगह 20, T2 की जगह 120, एल्फा हमको पता है, R0 कैंसिल, रेजिस्टेंस 20 पे कितनी थी, 10, और 120 पे कितनी है, R2। सबसे पहले आप 120 पे रेजिस्टेंस निकाल लें, तो इन इक्वेशन को डिवाइड करके रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 120 पे 15 ओम आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो 10 ओम की रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पे है, 120 के ऊपर सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लें, कितनी होगी, कितनी आ गई, 15 ओम आ गई। कोई डाउट इसमें? 20 डिग्री सेल्सियस पे करंट आपको पता है कितना है, करंट आपको पता है 30 मिली एम्पियर है, 120 पे करंट क्या होगा ये बताओ। अब इस पूरे क्वेश्चन में वी रिमेन्स सेम, क्वेश्चन में बोला था वी सेम रख लो, वी क्या होता है, I into R। तो पहले वी कितना है, I1 R1, अब वी कितना है, I2 R2। तो यहां से R2 R1 हम निकाल चुके हैं, 120 के ऊपर रेजिस्टेंस पता है, 20 के ऊपर रेजिस्टेंस पता है, निकाल ली करंट I1 हमें पता है 30 मिली एम्पियर है, I2 निकाल लेना आंसर 20 मिली एम्पियर है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर चेंज करने से एल्फा गिवन है, तो सबसे पहला काम रेजिस्टेंस की नई वैल्यू को तो निकालना ही पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस की नई वैल्यू निकलेगी पहले, फिर ओम वी सेम करते हुए I1 R1 I2 R2 से I1 पता है, R1 पता है, R2 पता है, I2 कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। तो मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, कितने लोगों ने असाइनमेंट किया ये किए, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है,
पे आंसर है। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखें एक बार प्लीज। देखो क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ हॉलो ट्यूब, अंदर से ये ट्यूब खाली है, तो फिर अंदर से खाली है तो आउटर इनर डायमीटर्स क्यों गिवन है? क्योंकि करंट जो जाएगा वो इतने क्रॉस सेक्शन से एंटर करवाया जा सकता है और इस मटेरियल में करंट एंटर करेगा, पर इसमें हॉलो है, करंट हवा में नहीं जा सकता। तो यानी कि एक थिक सिलेंडर है जिसका आउटर और इनर डायमीटर गिवन है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें आउटर डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो आउटर रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस कितनी है? 5 mm, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर है। तो अंदर का रेडियस क्या आ गया? 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो थिकनेस से आप आउटर रेडियस में से थिकनेस माइनस करके अंदर का रेडियस निकाल लेंगे। क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द ट्यूब 5 गिवन है, लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी गिवन है? इसमें 5 गिवन है, 5 मीटर गिवन है। रेजिस्टिविटी रो भी गिवन है, रेजिस्टेंस निकालनी है। जिस क्वेश्चन में रो गिवन हो और रेजिस्टेंस निकालनी है तो एक ही फॉर्मूला है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब आपको लेंथ पता है, आपको रो पता है, आपको एरिया निकालना है। कितने एरिया में करंट एंटर करेगा ये क्वेश्चन है। इतने एरिया में क्या बनेगा एरिया? ये पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। तो आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, शेडेड एरिया। इस शेडेड एरिया में करंट एंटर करेगा, कोई डाउट इसमें? तो इस शेडेड एरिया में करंट एंटर करेगा, तो फॉर्मूला लगा लो, आर इज रूएल बाय ए, एरिया पुट कर देना, एल और रूल सब कुछ पता है, आंसर है। तो क्या ये रूल समझ में आ रहे हैं कि अगर क्रॉस सेक्शन जैसा भी होगा वैसा ही एरिया लेके अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे? ठीक, इस क्वेश्चन में देखें, तो क्वेश्चन है ये फॉलोइंग फिगर्स है, ये ना क्रॉस सेक्शन है, ध्यान से ये देखो, ये क्रॉस सेक्शन है। इस ग्रे एरिया में करंट एंटर करेगा, वायर बोर्ड के अंदर की तरफ है और लेंथ सभी वायर की एग्जैक्टली सेम है और रो भी सबका सेम है, मटेरियल सेम है। तो ये वायर का ऐसा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, बस ये वाला पीछे के लेंथ सेम है सबके। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा, ये रहा और ये रहा। आपको बताना है कि रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा किसकी कम है, ये आपको बताना है। तो फॉर्मूला तीनों वायर में क्या लगेगा? रो एल बाई ए, एल सबका सेम है, रो सबका सेम है, क्या चीज सेम नहीं? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये ग्रे कलर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? आउटर स्क्वायर का एरिया माइनस इनर स्क्वायर का, इनर स्क्वायर रूट टू ए है। तो आउटर स्क्वायर का एरिया माइनस इनर स्क्वायर का एरिया, ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए स्क्वायर आ गया। इस केस में आउटर स्क्वायर का एरिया माइनस इनर स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, आंसर फिर से ए स्क्वायर आ गया। इस ग्रे कलर का एरिया कितना है? ए स्क्वायर। तो तीनों में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एग्जैक्टली सेम है।
एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, रो भी सेम है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए से रेजिस्टेंस भी सबकी एग्जैक्टली सेम है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या रूल लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? तो आपने क्रॉस सेक्शन एरिया देखना है और आपने कुछ ही देखना, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू क्वाड्रपल, चार गुना ज्यादा रेजिस्टेंस चाह रहे हो आप, चार गुना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाए किसी वायर की, अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ वॉज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच, पूरी की पूरी वायर को नहीं खींचा, उसके थोड़े से पार्ट को खींच दिया ताकि रेजिस्टेंस कितनी हो जाए, चार गुना ज्यादा हो जाए, तो पहले रेजिस्टेंस आ रहा है, अब रेजिस्टेंस फोर आ रहा है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो क्वेश्चन है और लेंथ बिकम्स 1.5 टाइम द ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ लंबाई क्या हो जाए वायर की अगर एल है तो नई लेंथ क्या हो जाए 1.5 L है, तो L की जगह 1.5 L है, कोई डाउट इसमें? अब क्या निकालना है इसमें बताओ, कितना पार्ट ऑफ द वायर वॉज फ्रैक्शन इक्वल टू वॉट, तो आपने मान लो इस वायर का x पोर्शन खींच दिया तो कितना नहीं खींचा, L माइनस एक्स, तो ये पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन खींच गया, तो कितनी लेंथ खींच गई x, ओरिजिनल लेंथ क्या थी L, फ्रैक्शन निकालनी है x डिवाइडेड बाई L, ये क्वेश्चन है। चलो आपने इस वायर को खींच दिया मान लिया, और नई लेंथ क्या बन गई 1.5 L, इस लेंथ को नहीं खींचा आपने, छोड़ दें, तो अब जो x पोर्शन था वो लंबा हो गया, तो ये लंबाई क्या होगी 1.5 L में से इसे माइनस कर देंगे तो बची हुई लेंथ आ गई, तो ये सिचुएशन ऐसी थी, इस पोर्शन को आपने खींच दिया तो मैं ये पूछ रहा हूं कि नई लेंथ क्या होगी इसकी, इसको तो छेड़ा ही नहीं, तो नई लेंथ के लिए फाइनल लेंथ हमें पता है 1.5 L है, इसमें से L माइनस एक्स को माइनस कर दिया तो बची हुई लेंथ क्या होगी 1.5 L में से L माइनस एक्स माइनस करके ये आंसर आ गया, तो नई लेंथ ये आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये वायर खिंच गई पतली हो गई, तो राइट साइड का एरिया क्रॉस सेक्शन A की बजाय पतला कितना हो गया, A डैश हो गया, केस क्लियर है यहां तक? तो जो वायर खिंच गई उसका एरिया भी पतला हो गया लेकिन वॉल्यूम रिमेंस सेम, तो पुरानी वायर की वॉल्यूम बोलो कितनी है, एरिया इनटू लेंथ, ए इनटू एल, नई वायर की वॉल्यूम कितनी है, इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना है, ए इनटू एल माइनस एक्स, और इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना है, ए डैश इनटू 0.5 L प्लस एक्स, क्योंकि एरिया इसका ए डैश हो गया, लंबाई इसकी नई होगी, तो मैंने वॉल्यूम को इक्वेट करके नया एरिया ए डैश निकाल लिया, ठीक है यहां तक। अब क्योंकि ये जो रेजिस्टेंसेज है दोनों, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, और ये नई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अगर पुरानी आर है तो नई 4R है, तो 4R क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस प्लस इसकी रेजिस्टेंस, तो पहली वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी, रो L माइनस एक्स बाय ए, रो L माइनस एक्स बाय ए, दूसरी वायर की रेजिस्टेंस क्या है, रो 0.5 L प्लस एक्स इंटू ए डैश, ये रे, तो ए डैश की वैल्यू पूरी की पूरी निकाल के मैंने यहां पुट की और मैंने इसको रफ में सॉल्व किया था और सॉल्व करके चेक किया हुआ है, इसका आंसर 1/8 आ रहा है। अभी क्वेश्चन आया नहीं आया आज तक, मुझे नहीं पता आया नहीं वैसे आज तक, लेकिन कहीं ऑब्जेक्टिव में देखा तो मैंने इस पर डाल लिया, बट लॉजिक समझ में आ रहा है, जब भी स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का कॉन्सेप्ट आएगा तो वॉल्यूम रिमेन सेम करके आप नया एरिया निकाल लेना, फिर आर इज रूएल बाई ए से जो भी पूछा होगा वहां से क्वेश्चन निकाल लेना। थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, होता नहीं एक बारी में, बट हाँ मैंने आपको तरीका बता दिया कि ऐसा लॉजिक इसमें लगेगा, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आए, कोई आसान करके क्वेश्चन आ जाए, बट एटलीस्ट आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि क्या किया है इसमें, राइट। सीबीएसई में तो नहीं आता, ये बात पक्की है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है, इसके अंदर वो कह रहा है कि छह फेस है, ध्यान से देखना, राधा सर तीन में डिवाइड किया, ये जो छत और फ्लोर है इसको ए ए डैश का नाम दिया, सामने और पीछे वाली दीवार को उसने सी और सी डैश का नाम दिया, साइड वाली दीवारों को उसने बी और बी डैश का नाम दिया, उसने कहा रेजिस्टेंस ए ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश कैसे रिलेटेड है, कौन बड़ा कौन छोटा। बस मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अब तीन बार रेजिस्टेंस निकालेंगे, एक बार मान लो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है सी सी डैश, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में आर इज रो एल बाय ए, एरिया क्या लेंगे जब करंट इसमें एंटर करेगा, एक्स इंटू टू एक्स एरिया, और लेंथ पीछे की तरफ क्या लेंगे फोर एक्स, आर इज रो एल बाय ए। जब आप साइड से करंट एंटर करवाएंगे तो एरिया क्या लेंगे 4x into x और लंबाई क्या लेंगे 2x, क्योंकि करंट ऐसे एंटर करेगा। जब आप ऊपर से एंटर करवाएंगे तो एरिया क्या लेंगे, छत का एरिया 4x into 2x और लंबाई क्या लेंगे x। तो तीन रेजिस्टेंसेज निकाल लेना, देख लेना कौन बड़ा कौन छोटा आंसर आ जाएगा, या किसकी रेजिस्टेंस बड़ी है वो आंसर निकाल लें आपको। तो रेजिस्टेंस निकालनी आ रही है, कैसे करनी है इसमें। नेक्स्ट, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, देखो क्या क्वेश्चन है। टू वायर्स ईच ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर बट ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, मटीरियल डिफरेंट है भाई, तो मतलब क्या है कि रो डिफरेंट हो सकता है, आर कनेक्टेड टुगेदर एंड टू एंड इन सीरीज। तो एक चीज पक्की बात है, सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, करंट सेम रहेगा, आई सेम रहेगा। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन वन एन टू, तो एन वन एन टू की रेशियो क्या है 1:4। तो ड्रिफ्ट फिलोसिटी की रेशियो निकालनी है। अब ड्रिफ्ट फिलोसिटी और करंट का रिलेशन क्या होता है, आई वी डी इक्वल टू आई बाई एन ए, आई इक्वल टू एन ए इंटू वी डी। तो करंट सेम कर दें, पहली वायर में एन वन एन टू डिफरेंट है, चार्ज सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ड्रिफ्ट फिलोसिटी डिफरेंट है, तो आई वन वी डी वन एन टू वी डी टू। तो यहाँ से ड्रिफ्ट फिलोसिटी की रेशियो निकालनी है, एन वन एन टू की रेशियो कुछ में गिवन आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि करंट और ड्रिफ्ट फिलोसिटी का पहले रेशियो निकाल लेना है, फिर करंट और करंट को इक्वेट कर देना है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट फिलोसिटी, और ड्रिफ्ट फिलोसिटी की रेशियो आएगी इन टर्म्स ऑफ एन वन एंड एन टू। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन के बाद क्वेश्चन नंबर टेन, गलत किया हुआ है, सही करेंगे इसे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, एक करंट जा रहा है, एक चीज सेम रहेगी चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, और वो क्या है करंट, वैल्यू ऑफ करंट विल रिमेन सेम। तो ये पूछ रहा है कि करंट डेंसिटी इसमें कैसे चेंज होगी, तो ये गलत किया हुआ है, सीधा बोलते हैं क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट बाय एरिया, करंट सेम है, एरिया की वैल्यू बढ़ती जा रही है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो करंट डेंसिटी घटेगी, तो जे की वैल्यू आगे जाते जाते कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो करंट डेंसिटी बी की कम होगी और ए की ज्यादा। गलत आंसर मार्क है, मत देखें, तो B की कम है और A की ज़्यादा है, क्योंकि करंट डेंसिटी करंट बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, राइट जाने में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो करंट डेंसिटी डिक्रीज होगी इसमें। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सिंपल फर्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसकी जरूरत नहीं है करने की, ये ओम लॉ से सॉल्व हो जाएगा।